कुछ खतरों के खिलाड़ी जो हैं वो आ रहे हैं वैसे यहाँ से। ये जो आपको खतरों के खिलाड़ी दिखे हैं दो, इनको शायद से ये नहीं पता है कि कल यहाँ पे 3 लोग ऐसे ही पार कर रहे थे और फिसलन थी और नीचे गिर गए हैं, यहीं से नीचे गिर गए हुए हैं। हालांकि जिंदा हैं, छोटी मोटी लगी हुई है, खरोचे लगी हुई हैं, किसी को हाथ को लगी है, किसी का एक का पाँव टूटा है, बट लगी तो है। इतनी ज़्यादा भी चुल नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो रास्ते थे यहाँ पे तो सामने दिख रहा है ना कि हाँ यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग होगी नहीं होगी, बट वो वाला जो इतना सा एक पाँव रखने की जगह है, सिर्फ एक पाँव, वो भी आधा, वहाँ से मैं क्यों जाऊँ या फिर कोई भी वहाँ से क्यों जाए, कितनी भी इमरजेंसी हो, अगर 2 से 3 रास्ते हैं, 2 से 3 डाइवर्जन हैं, वहाँ से जाओ। ऐसे वाले रिस्क हम नहीं लेते हैं, लेते हैं रिस्क बट जो लेने लायक हो। बेवकूफ़ी और बहादुरी के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए। बेवकूफ़ी और बहादुरी पे ज्ञान देने वाले लोग ऑफ कैमरा वैसे काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे नीचे वाली तरफ जो है मैं साइकिल लेके नहीं गया था, क्योंकि यहीं पे मुझे लोगों ने काफ़ी बता दिया था कि आगे साइकिल तक लेके जाने की जगह नहीं है। तो हमने जो हमारी रज्जो मज्जो चुच्चू पुच्चू बिजली और क्या बताया था, अदिति सुप्रा बिल्लो पता नहीं कैसे कैसे नाम, पुष्पा, ये अभी तक नाम इसका फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग यहीं पे पार्क करके गए थे। इसके चोरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा है यार, इसके लिए कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर मैं साइकिल का स्टैंड ले लेता हूँ तो वो तो उठाने वाले इसको उठा के ही ले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब 2 अच्छी बातें हो रही हैं इस बीच हमारे साथ, एक तो मौसम जो है वो काफ़ी प्यारा प्यारा हो गया हुआ है, क्योंकि पहले जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, धूप निकली हुई थी, अब यहाँ वाली तरफ जो है बादल आना शुरू हो गए हैं। ऐसा मौसम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मनाली आज पहुँच जाएंगे, बट अगर क्योंकि अभी दोपहर तो आई नहीं, अभी 12 भी नहीं बजे, तो अगर गर्मी आई धूप आई तो हमें शाम तक जो है वेट करना पड़ेगा, और अगर बारिश आई तेज़ तब भी वेट करना पड़ेगा, देखते हैं। मौसम तो अनप्रेडिक्टेड है यहाँ पर। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अब नीचे 1 किलोमीटर तक नीचे ढलान है, बहुत खुशी होती है जब जब ढलान आती है, और उतना ही दुख होता है जब जब ऊपर इंक्लाइन आता है। टेंट का मैं आपको बता दूं, टेंट हमने बांधा तो है बड़े सही से बंधा नहीं है, क्योंकि आगे कुछ कैरियर जैसा लगवाना पड़ेगा, पीछे हमने रखा नहीं है, पीछे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड हो गया हुआ है। भाई जी मनाली के लिए कौन सा रास्ता, ये फिर ये तो आगे मिल जाता है ना, आगे कोई रास्ता है इधर से? लंबा तो नहीं पड़ेगा, चढ़ाई तो नहीं आएगी? नहीं। ये जाना है सीधा, फिर कहाँ से आगे मुड़ना है? ये कहाँ जा रहा है? ये भी उधर। तो यहाँ से जाऊँगी, यहाँ से ये वाला ठीक है भाई। भाई थोड़ा सा ना जल्ला सा था, भाई की मशूक का फ़ोन आया हुआ था भाई को, और भाई जो है परेशान था, मैं तो बोल के थक गया कि सबका कटेगा, मानते कहाँ हैं लोग। मेरी घंटी भी किसी काम की नहीं आई, मैं रह गया ट्री 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 करता हुआ, वो बंदा जो था वो फ़ोन चला रहा था, उसको कोई पता नहीं कि गाड़ी मेरी पीछे आ रही है नहीं जा रही है, थप्पड़ मारना पड़ा उसके पिछवाड़े पे, उसके पिछवाड़े पे नहीं उसकी गाड़ी के पिछवाड़े पे, तब जाके थोड़ी सी होश आई उसको। और ये है जी ब्यास रिवर, फ्लो कम हो गया अभी वैसे ना, चलिए पार करते हैं। पुल के ऊपर खड़ा रहना अच्छी बात नहीं है ज़्यादा देर ऐसे वाले मौसम में, खास कर डाइवर्जन वाला ये जो रूट है ना, बहुत ही ज़्यादा खड़ी वाली चढ़ाई है यहाँ पे, पिछले 2 किलोमीटर से ऊपर ही चढ़ रहा हूँ बस, और अभी ना जाने और कितना है। हर चढ़ाई की अच्छी बात ये है कि ढलान भी आती है, पर ये जो एक्स्ट्रा वाली चढ़ाई है ना, जो रोड टूटने की वजह से हमको चढ़नी पड़ रही है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होती है। ऊपर से हम नए साइकिल राइडर, दिक्कतें हो रही हैं कुछ, और ये देखो ये एप्पल्स लगे हुए हैं, मन तो कर रहा है उखाड़ के खा लें, एक दो तो खा भी सकते हैं वैसे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जब हमने करी थी 3-4 महीने पहले, वहाँ पे मुझे एक साइकिलिस्ट मिला था, उनसे मैंने शेयर करा था कि जल्दी मैं डोमिनार छोड़ के जो है साइकिल पर शिफ्ट करने वाला हूँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्होंने बताया था कि बाइक पर आपको कोई बोलेगा ना कि वो 10 किलोमीटर आगे ही सिर्फ कोई रहने का है, खाने का है, पीने का या कोई भी काम है, आप 1 सेकंड में सेल्फ स्टार्ट करोगे, किक मारोगे, पहुंच जाओगे।
साइकिल पे अगर आपको 1 किलोमीटर का भी एक्स्ट्रा कभी डाइवर्जन आ जाता है, कभी रोड टूट जाता है, कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है, तो 10 बार सोचना पड़ता है। मुझे उस भाई की वो बात याद आ रही है। ये अंदर वाली तरफ जो नागर वाला रास्ता हमने लिया हुआ है ना, इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है ना। हालांकि जो लद्दाख में इंक्लाइन आएंगे उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, ऊपर से यहाँ पे ग्रीनरी भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। लद्दाख में ना जाने हमारा क्या हाल होगा। बट लगभग लगभग हम लोग जो है वो मनाली पहुँच ही गए हुए हैं। गोप्रो हमारा जो है ऑलमोस्ट डेड होने वाला है। पावर बैंक हमारे पास पड़ा हुआ है, बट मोबाइल चार्ज करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एडिट वगैरह करना है और भी मोबाइल में काम रहते हैं। तो गोप्रो को इस टाइम पे जो तवज्जो है वो हम थोड़ी कम देंगे क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी आज का बहुत ज़्यादा लंबा हो रखा है। विल ट्राई कि आज हम जो है, क्योंकि टाइम ना अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी 12:01 बजे हुए हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि अटल टनल जो है वो हम क्रॉस कर पाएँ, पहुँच जाएँगे। 8 से 9 घंटे हमारे पास, इतना सा तो कर ही लेंगे, हार्डली 50 किलोमीटर भी नहीं होगा। देखते हैं पहले ये वाला क्रॉस तो करें। अभी भी 2 किलोमीटर की बोल रहे हैं चढ़ाई हो रहा है, उसके बाद ढलान आएगी। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, बीच बीच में गोप्रो जो है वो ऑन करते रहेंगे। तो दोस्तों अभी तक नागर के बाद हरिपुर, और अब हम जो हैं दमसू विलेज क्रॉस कर आए हैं, आधा कर आए हैं आधा कर रहे हैं। यहाँ भी जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, बट मुझे जो है कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मिल गए हुए थे। ये नन्हे मुन्ने हैं, ये नन्हे मुन्ने नहीं, वो हराम ही है दोनों। और ये भाई के पास साइकिल है, गियर वाली साइकिल है। कौन सी साइकिल है? कितने की आई थी? 50,000 की? 50,000 की साइकिल। पीछे मैंने जाम लगा दिया रोड के बीच में खड़े होके, बट क्योंकि हम साइकिल वाले हैं और मेरे साथ जो है बच्चे हैं तो लोग कुछ बोलते नहीं हमको। 50,000 की साइकिल भाई के पास बेशक है, बट भाई का दिल बहुत बड़ा है। दे ऑफर्ड मी अ एप्पल, वो भी लोकल यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे जो एप्पल्स बहुत सारे लगते हैं। वो कहाँ ये किसके पेड़ है सारे, मतलब किस चीज़ के पेड़ है? सेब के, प्लम के, बहुत चीज़ के है। हाँ। नाश्ते के। ये जो ऊपर को राइट वाली तरफ रास्ता जा रहा है, ये जाता है साजला वाटरफॉल। इस बार जो तबाही हुई है ना, उसमें लोकल एरिया पे, इस वाले एरिया पे, इस साजला वाटरफॉल का भी बहुत सारा योगदान रहा है। ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा ही है, 500-600 मीटर ही है, जा सकते हैं बट जाएंगे नहीं। और हमारे साथ जो है कंपनी है, सम ऑफ दी फेलो राइडर्स, वही हिमालयन ट्रैक वाले। 2 भाई साइकिल पे है, 1 भाई पैदल है, हम हो गए 4 लोग, 3 तिगाड़ा। बट भाई की साइकिल बहुत ज़बरदस्त है यार, देखा जाए तो जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लेके तो यही वाली साइकिल लेके जाना चाहिए। पर मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक नॉन गियर साइकिल, वो भी ऐसी वैसी साइकिल नहीं, लेजेंडरी हीरो की, मेड इन इंडिया, हमारी सबसे पहली साइकिल। खड़े हो जा, खड़े होके पैडल करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ी सी चढ़ाई आ गई थी। हाँ, उस भाई ने तो कुछ नहीं किया, गियर लगाया उसने, पैडलिंग करी। विद गियर बहुत इजी हो जाता है सब कुछ, बट ठीक है, रिकॉर्ड जो है वो ऐसे ही नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। सब ठीक रहा तो एक बार यूनाइटेड साइकिल लेके आएंगे यहाँ पे, फिर एक बार लद्दाख करेंगे। अभी के लिए तो शुरुआत है, बजट कम है, और एडल्ट के लिए ना तो इससे बेस्ट साइकिल मुझे लगी, ना तो इससे सस्ती साइकिल कोई थी, तो हमने यही वाली ले ली। वाह यार, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। देखो सीखो, बच्चे मन के सच्चे तो होते हैं, बट बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप भी होते हैं। इनकी शक्लें देखो, ये तीनों भगवान का रूप है। हंस के दिखाओ तीनों ज़रा, ये चलिए जी, डिनर भी हमारा हो गया, आज डिनर का जुगाड़ हो चुका है, मिठाई है भाई। ग्रीन टैक्स बैरियर जगत सुख, यहाँ भी एक टाइप का टोल प्लाजा ही है, बट यहाँ पे भी कोई है नहीं जो टोल काट रहा हो। यहाँ पे लग गया जी आगे लंबा जैम, वजह ना जाने क्या है, रुकना पड़ेगा ट्रक आगे आगे से। ये लिंक रोड वाले तरफ भी तबाही के कुछ दृश्य
अब देखिए ये वाला पुल तो सही सलामत है, बट ये जो ब्रिज है ये नया वाला ब्रिज है, वो जो पुराना वाला ब्रिज था कोलैप्स हो गया टोटली। अभी काम चल रहा है नीचे नए रास्ते का। यहाँ पर भी साइकिल का एक मज़ा है, थोड़ी बहुत कहीं पे भी स्पोर्ट मिल जाए बैग लगा के एज इट इज़ खड़ा हो जाता है, नहीं तो ये जो इसका स्टैंड है ना ये वाला, इसके साथ इशू आता है। इस लगेज के साथ ये स्टैंड लग नहीं पाता इजली, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है, बहुत ज़्यादा। बाइक उठाने से, बाइक को डबल स्टैंड पे लगाने पे जितना दम लगता है उससे 3 गुना ज़्यादा लगता होगा। जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ से 31 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर। पहुँच गए हम लोग इस समय मनाली में। ये रास्ते देखे देखे लग रहे होंगे, बट देखे देखे लगेंगे कैसे, आधे रास्ते तो गायब ही हो चुके हैं। ये ब्यास रिवर, ये वाला जो स्पॉट है ना जो आधा दह गया हुआ है, ये है यहाँ पे बाइक एंड कार पार्किंग। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम मनाली आया था, मुझे 2 दिन के लिए घर जाना था, तो मेरे को बाइक यहाँ पे पार्किंग के लिए मैं ढूंढ रहा था। दे आस्क भाई, बीच में कर रहा हूँ आप बोल रहे हो, ये जो बीच में अभी भाई आ गया हुआ था, ये वो लोग हैं जो शाम को 8 बजे के बाद माल रोड पे आपको दिख जाते थे टफ 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 करते हुए। कुछ लोगों को बात समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी। अभी भी ये वही पूछने आए थे, मैंने इनको बोला कि नहीं अब मैं साइकिल पे हूँ, ये सब त्याग दिया हुआ है, छोड़ो वो सब। मैं आपको जो है पार्किंग की बात बता रहा था, मुझे 2 दिन के लिए घर जाना था तो बाइक मेरे को पार्क करने के लिए लोकेशन ढूंढ रहा था मैं। दे आस्क 500 रुपीज़ फॉर 1 नाइट, एक रात के लिए बाइक लगाने के लिए इस पार्किंग पे 500 रुपया चार्ज कर रहे थे। और ऐसी ना जाने कितनी सारी कहानियाँ हैं। मैं मनाली के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कई लोग बोल रहे हैं, मैंने कई वीडियोज़ देखी कि पहाड़ी हमको लूट रहे हैं, इतना प्रॉब्लम हुई है, हम लोग फंस गए हुए हैं, 20-30 हज़ार रुपया जो है 2-2 दिन का लोगों का रहने का खाने पीने का बिल आ रहा है। बट बुरे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इस पर कई लोग बोल रहे हैं कि ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि मनाली में लूट मार बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है यार, मैं बहुत सारे अच्छे लोगों को भी जानता हूँ, मैं यहीं बहुत ज़्यादा रहा हूँ मनाली में, बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो फ्री में अकोमोडेशन दे रहे हैं आज के टाइम पे, फ्री में खाना पीना दे रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो 1000 रुपये का रेट जो रूम है रेंट था वो 10,000 रुपये कर गए हैं। तो आप जज नहीं कर सकते, आप पॉजिटिविटी दिखाओ ना, नेगेटिविटी क्यों दिखा रहे हो। जो लोग भी ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं पहाड़ी हमको लूट रहे हैं, ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, तो तुम आओ मत भाई, तुम अपने इलाके में रहो अगर तुमको ऐसा है तो। कुछ चंद लोगों की वजह से सबको बदनाम मत किया करो। ये पार्किंग वाला स्पॉट नीचे वाली तरफ जो है वो प्राइवेट बस स्टैंड है, आधा एरिया जो है वहाँ का दह गया हुआ है। ये जो आपको रोड दिख रहा है ना, पीछे 6 से 7 जगह पे ऐसी जगहें दिखी इस रोड से आते हुए यहाँ पे, कि रोड पूरा का पूरा है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। एक जगह ऐसी है यहाँ पे 200 मीटर तक रोड ही ख़त्म हो चुका है, बीच में पूरा गैप है। और ये ऊपर वाला रोड जो है हडिम्बा माता वाली तरफ जाता है। टाइम हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बारिश का मौसम है, बट अभी तक जो है एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरी हुई है। अभी भी 6 से 7 घंटे हम लोग जो है साइकिल राइड कर सकते हैं, बट गोप्रो देखते हैं, ब्लॉग बीच बीच में बनाते रहेंगे। ये तो एक काम करते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया ऑलरेडी, आज के ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करते हैं। विल ट्राई टू क्रॉस अटल टनल नाउ, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।